आत्मीयता के प्रति सम्मान व्यक्त करिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पदक से सम्मानित पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के इस मिले जुले आनंददायी प्रेम और स्नेह से अभिरंजित पारिवारिक कार्यक्रम में मेरी अपनी ओर से सीएम हाउस में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान डीजी सक्सेना जी, माननीय मिश्रा जी, एसीएस होम सापू जी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस अवसर पर मौजूद पुलिस परिवार के सभी अभिभावकगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, हम सब अभी जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले इस मंच को जीवंत होते देख रहे थे, हम सब अपनी परिवार की इतनी सारी प्रतिभा है, इसका भी एक अलग ही रूप दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा जोरदार तालियां बजाएं, सभी अलग अलग प्रकार की प्रतिभाओं ने अपना जो प्रदर्शन किया है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जितने लोगों ने प्रदर्शन किया है इनको कुछ इनाम दे सकते हैं क्या? तो हर दल को योग्य प्रकार से, ऐसा लग रहा था कि महेंद्र कपूर तो सीधे आ गए मंच पर, क्या बढ़िया गाना गाया उन्होंने, और डूब करके झूम कर भी गाया। मैं डर रहा था थोड़ा सा कि ये हमारे दूसरी आंख तकलीफ देती है, कार्यक्रम आनंद का है। और ये सच्चे अर्थों में मैं आपको इसलिए भी बधाई दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ सबसे बड़े त्यौहार दीपावली, होली, दशहरा, इनका आनंद पूरा देश उठाता है। लेकिन इन सारे त्योहारों की आत्मा अगर है तो 15 अगस्त है। अगर आज़ादी नहीं हो तो देश ने सदियों कीमत चुकाई है, इस आधार पर आपको बधाई देना चाह रहा हूँ। सारे त्योहारों से बढ़कर क्या ईद, क्या होली, क्या दिवाली, सारे त्योहारों के अंदर ये हमारी संस्कृति को बचाए रखने में हमारे लिए, हमारे देश की आज़ादी ये सर्वोत्तम स्थान पर है। ऐसे में इसका सेलिब्रेशन तो ऐसे ही होना चाहिए जो आपने रखा है, पूरा देश मनाए, पूरा देश आनंद में झूमे, इसी बात की आवश्यकता है। इसलिए देशभक्ति से ओतप्रोत सारी प्रस्तुतियों के अलग अलग प्रकार के आनंद में हम सब डूबे, इंडिविजुअल भी दी, बाकी भी दी। और ये बात सही है कि हमारे अपने इस मंच के साथ जिस प्रकार से सारे अधिकारियों ने मिलकर के अपनी उपस्थिति भी दिखाई, मैं आप सबको भी बधाई देता हूं। और प्रत्येक टीम यहाँ मौजूद है, मेरे को इसका आपका दायरा मालूम नहीं है, अभी नया नया गृह मंत्री भी हूं, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। नहीं, अनलिमिटेड तो है, लेकिन अनलिमिटेड की लिमिट कहाँ है अभी मालूम नहीं है। मुझे शब्द बोलने में अटपटा लगेगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि पुलिस इतनी कलाकार भी है। पुलिस सदैव कलाकार होती है, इसमें कोई शंक नहीं है। समाज के अंदर होने वाली सब दुर्व्यवस्थाओं में भी सुव्यवस्थित स्थापित करने के लिए हमारे यहाँ हजारों साल से ये कलाकार शब्द कहाँ से आया है, अगर इसकी खोजबीन की जाए तो कलाओं में कला कितनी कला है, 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, एक ही में भगवान श्री कृष्ण में जिनकी जन्माष्टमी आने वाली। सच्चे अर्थों में मेरे से कोई अगर पूछे के पुलिस के अधिष्ठाता देव की कोई प्रतिमा रखी जाए तो मैं भगवान कृष्ण को सबसे पहले वहां समर्पित करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से
क्योंकि उनका जो ध्येय वाक्य है वो ध्येय वाक्य अपने आप हमको अपने उस कर्म से जोड़ता है। माफ करना, ये हमने उनको उस दृष्टि से नहीं देखा कि जिसकी दृष्टि से पूजा की भावना ली। सच्चे अर्थों में एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अपन व्यक्तित्व के नाते से अगर देखें तो जिनके जीवन काल में एक शब्द बोला है वो अपना पूरा जीवन अधर्म के खिलाफ लगाने के लिए तत्पर है, सदैव धर्म की स्थापना के लिए। और धर्म की स्थापना मतलब सुव्यवस्था, कानून और व्यवस्था की स्थिति आज के शब्दों में मानो, इसकी स्थापना के लिए उनने पूरा जीवन लगाया। जहां जहां अधर्म हुआ, जहां जहां अन्याय हुआ, हर अन्याय के खिलाफ एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने अपने आप को सबसे पहले दाव पे लगाया। केवल एक उदाहरण दूंगा, वो उदाहरण समसामयिक है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक उदाहरण है, वो उदाहरण है उनके विवाह से जुड़ा हुआ कि उनके विवाह 16,100 हुए थे। मुझे बताया गया कि उनके 16,100 विवाह, ये थोड़ी सी अतिरंजित बात, ये सही नहीं है, उनके विवाह तो 8 ही हुए। लेकिन वो एक ऐसा अन्याय हुआ था कि एक व्यक्ति था जिसने संकल्प कर लिया कि मैं 21,000 लड़कियां इकट्ठी करूंगा और फिर उनसे विवाह करूंगा। अब ये अन्याय की बात है कि 21,000 कोई से कोई कैसे विवाह कर सकता है, लेकिन वो समर्थ है, उससे कोई लड़ता है तो वो हरा देता है, बहुत ताकतवर है, पूरा देश देख रहा, कोई उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं। ऐसे में एक व्यक्ति सोमनाथ से उठे, द्वारका से उठे, और उनने कहा मैं इसको चुनौती देता हूँ, ये गलत है। और वो व्यक्ति आसाम में था, वही 21,000 लड़कियाँ, वो भी राजकन्या को इकट्ठी करेगा तो कितना टाइम लगेगा, एक दिन में तो होगा नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल, जहाँ कोई राजा की बेटी खड़ी होती वो उठा के ले जाता, अपनी कैद में बंद करता। और ऐसे करते करते 16,100 उसने बंद कर ली, वो 21,000 इकट्ठी करने वाला था। भगवान कृष्ण ने उसका विरोध किया, जाकर के युद्ध में ललकारा, और वो एकमात्र युद्ध ऐसा था जिसमें भगवान कृष्ण के साथ बलराम नहीं थे, अकेले कृष्ण भगवान ने वो युद्ध किया और डंके की चोट उसको मारा। मारने के बाद सारी बहनों को कैद से बाहर किया और कहा कि आप अपने अपने घर जा सकती हो, आपका हमने ये कैद समाप्त कर दी, बंधन समाप्त कर दिया। ये प्रश्न ऐसा था, जब एक बड़ा काम तो हो गया कि अन्यायी को मार दिया जो गलत काम करने वाला था, लेकिन उससे बड़ा एक धर्म संकट खड़ा हो गया कि अब ये कहाँ जाएगी। हम सब जानते कि माता बहनों को घर से एक दिन बाहर रहना पड़ जाए तो घर वालों की कठिनाई पड़ जाती है कि अब बच्ची के बारे में क्या कहा जाए। ऐसे में 1 साल पहले 2 साल पहले 5 साल पहले अगर घर से उठा लाए तो उनकी बड़ी मुसीबत थी। सारी की सारी लड़कियों ने कहा कि हमारा क्या होगा, हम तो कहीं की नहीं रही, कम से कम वो विवाह तो करता, अब आपने तो उसी को मार दिया, तो हम तो हमारा विवाह भी नहीं हो रहा और हमारे पास घर वाले भी नहीं अपनाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने वही घोषणा की कि ये बात सही है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन आप मुझे बताओ मैं क्या करूँगा। तो उनने कहा या तो हमारे पास दो रास्ते हैं, हम सब ब्रह्मपुत्र में डूब के मर जाएं या गलत रास्ते पे जाएं। भगवान ने कहा ऐसा दोनों नहीं करना है, ये भाव का एक बड़ा हमारा रिश्ता बनता है। सामाजिक क्रांति का यह सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण का है, जिन्होंने निर्णय किया कि आप सबको मैं अपने घर में तो नहीं लाऊंगा, लेकिन आप पूरे देश में देव दर्शन करो, जहाँ जाना हो जाओ। तो उन्होंने कहा हम जाएंगे तो हमारा लोग पूछेंगे हम विवाहित हैं या अविवाहित हैं, हमारा क्या होगा। तो उन्होंने कहा अगर आपको यह संकट है तो मैं अपना नाम देता हूँ। तो नाम दान उनने किया और धर्म पत्नी का नाम तब से प्रारंभ हुआ, केवल भाव से, कोई परिवार में नहीं बसाया। और इस कारण से ऐसा माना जाता है कि वो भाव पत्नियां हुई जो 16,100 थी। मुझे ये लगता है कि वो जो पुलिस से मैंने संबंध जोड़ा, ऐसे उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों में कई सारे रहस्य हमारे समाज सुधार के भी छिपे हुए हैं, उनके आधार पर हमारे जीवन दृष्टि भी मिलती है। और मुझे लगता है कि पुलिस के इस पूरे आयोजन में